जिंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं जितना हम इसे सोचते हैं। तो आज मैं एक ऐसे चैलेंज के साथ आया हूँ जहाँ पे मैं पुणे जैसे बड़े शहर वो सभी चीज करने वाला हूँ जहाँ पे हम कई सारे पैसे देके करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो मजा काफी आने वाला है। चीजें को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ जहाँ पे आपका फ्री योगा, फ्री एक्सरसाइज, फ्री ट्रैवलिंग, फ्री फूडिंग, फ्री लाइब्रेरी एंड फ्री स्विमिंग। तो चलिए देखते हैं मैं क्या ये सभी चैलेंज को कर पाता हूँ या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज से, जो कि हमारा फ्री योगा। और फ्री योगा क्यों है? क्योंकि इस चीज को मैंने सीखा है एंड इसी के बदौलत आज मैं इस चीज को फ्री करने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो हम योगा करने जा रहे हैं तो इसे कहते हैं चाइल्ड पोज। आपका स्टार्टिंग पोजिशन ये रहेगा एंड आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है एंड आपको रिलैक्स कराने में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। अब जो दूसरी चीज है हीरो पोज, जिसे कि हम योगी टर्म में विरासना भी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन का शुरुआत करने वाले तो एक हीरो तरीके से होना चाहिए। वज्रासन में आना होगा एंड देन आपके जो दोनों पांव हैं उसको आपको टोस के साथ रख के एंड अपने छाती को ओपन करना है। तो जैसे कि हम सूर्य नमस्कार कहते हैं और सन सेलिब्रेशन भी कहते हैं, जिस तरफ सूर्य उगता है उस तरफ आपका फेस का डायरेक्शन रहना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम इधर सांस लेके स्टार्ट करना है एंड सांस को छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे जितना आपका पोटेंशियल है उसके अनुसार आपको आना है। तो ये हो गया हमारा सन सेलिब्रेशन, सूर्य नमस्कार। इसमें आपका सभी मोस्ट ऑफ द योगिक पोज आप इसके अंदर आ जाता है। तो इससे आपका एक कंप्लीट योगा अच्छी तरीके से हो जाता है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज मैं यूज करने वाला हूँ एक फ्री ट्रैवलिंग के लिए अपना साइकिल, जिसमें कि खर्च करने की जरूरत नहीं बाहर ट्रैवलिंग के लिए, राइट? अपनी साइकिल है तो इसी में मैं अपना फ्री ट्रैवलिंग को जो टास्क है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो लेट्स गो। तो अपना जो वर्कआउट का चैलेंज जो है तो इस पार्क में करने वाले हैं। तो दत्ता जी भवानी क्रीड़ागन इसमें आए हैं। तो आप भी अपने सामने वाले जो पार्क है तो वहाँ पे अपना वर्कआउट को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि हम अभी अभी योगा करके आए बट स्टिल आई प्रेफर कि थोड़ा बहुत आपका जो वार्म अप होना चाहिए। इस प्रकार का पुल अप बार नहीं है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राउंड से भी बहुत सारा चीज हो सकता है जैसे कि पुशअप्स, राइट? बहाना नहीं, बस करना है। वेरिएशन के लिए आप इसमें डायमंड पुशअप भी कर सकते हो, हाथ को साथ में रखें एंड देन स्टार्ट। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए काफी अच्छा है। आपको सेम पुल का जो चस्का चाहिए तो पुलिंग के लिए चाहिए तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। जैसे आप ऊपर पकड़ते हो तो ये इजी है, राइट? जब आप इसके लिए जाओगे इसकी डिफिकल्टी मतलब आएगी। तो इस प्रकार से आप अपना पुल अप का वेरिएशन भी खत्म अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप से बिल्कुल ही पुल अप नहीं हो रहा है तो भी आप ऐसे कोई अपने चेस्ट लेवल के बार पे रह के अपने पैर के सहारे पर कोशिश करना कि पैर को कम से कम यूज़ करें एंड आपका जो इस्तेमाल होगा वो बैक का पावर है एंड कोशिश करिए उठने के लिए, राइट? अब हमें डायरेक्टली घर नहीं भागना है, अपने आप को कूल डाउन करना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर इंजरी से बचाएगा। तो आइए बताता हूँ आपको, दोनों हाथ किस तरीके से लेंगे एंड जो अपना हाथ है कुछ इस तरह रहेगा, हल्का से अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ पुश करेंगे। ये इससे आपका जो ट्राइसेप का जो स्ट्रेचिंग है ना वो काफी अच्छे तरीके से होगा, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो लेटर आपको कोई भी तरह का इंजरी या सोरनेस नहीं रहेगा। आपको काफी वो सब चीज़ से प्रिवेंट करता है तो स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पकड़ना है और राइट हैंड यूज करना राइट डायरेक्शन की तरफ अपने बॉडी को पुल करते हुए लेके जाना है। तो आप देखोगे अपने लेग्स में जो स्ट्रेचिंग आ रहा है ये काफी जबरदस्त आता है और एक बार काफी रिलैक्सिंग वाला फील आपको मिलेगा। इन चीज आपको करना है दोनों हाथ के साथ एंड अपने सिर को नीचे रखते हुए अपने आपको नीचे की तरफ बढ़ लेना है एंड होल्ड। इस तरीके से आप अपना बॉडी का स्ट्रेचिंग कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पे जैसे कि मैं अपना एक्सरसाइज को अपना कूल डाउन को तब तक कंप्लीट नहीं मानता हूँ जब तक इसमें से मैं काफी बॉडी चीज ना कर लूँ। वैसे ये सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है, आपको बस तीन ही एक्सरसाइज कम करना है बट मैं करता हूँ अपना प्रॉपर स्ट्रेचिंग के लिए।
आपके हैमस्ट्रिंग करके देखिए, बहुत बढ़िया। अब करेंगे पिजन स्ट्रेच इन अ वेरी इजी वे। तो इसको करने के लिए आपको पिजन स्ट्रेच 90 डिग्री पर बैक रखना है, ठीक है? जो टेबल में भी आप बैक रख सकते हो, ठीक है? इस तरीके से और बस आगे रखना है एंड आपका जो फ्री है उसको नॉर्मल रखिए, इन्हें करिए एंड ऐसे। सो दिस वे वो द साइड, वेरी नाइस। अब जैसे कि हमारा कूल डाउन भी खत्म हो चुका है, अब हम तैयार है दूसरे जगह के लिए एंड दूसरे चैलेंज के लिए, जो कि हमारा है फ्री फूडिंग, राइट? जिसको कि हम पूरा करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और मज़ा बहुत आ रहा है। अभी बस मैंने दो ही चैलेंज किए, फ्री होगा, फ्री वर्कआउट, तो उसी में देख सकते हो कितना पसीना आ रहा है। अब आगे का जर्नी तो और भी इंटरेस्टिंग। जो चैलेंज है वो अब पूरा करने जा रहा हूँ गुरुद्वारा के हेल्प से। बात करूँ पुणे की, तो पुणे में जो आपको मिलता है दैट इज़ लाइक थर्सडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमिंग से गलत पहुँचेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इनका टाइमिंग जो है थर्सडे का, तो 9 से लेके 10:30 इज़ लास्ट। मज़े की बात यही है इंडिया में रहने का कि आप काफ़ी कम बजट में भी बहुत सारे चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब मैं गुरुद्वारा के अंदर एंटर करने वाला हूँ, तो उससे पहले वहाँ पे कुछ चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप शॉर्ट्स में नहीं आ सकते हो। जस्ट मैं अभी वर्कआउट करके आया हूँ, तो पैंट पहन के तैयार हूँ मैं। अब बढ़ते हैं, सीधा मिलेंगे गुरुद्वारा पे। गुरुद्वारा के पास आ चुका हूँ। अंदर में जो रिक्वायरमेंट है वो जैसे कि आपको आपके सिर पे आप उसको रूमाल से ढकिए, या फिर अंदर भी काफ़ी सारे कपड़े रखे होते हैं उसे करना है। की बात ये है कि मैं साइकिल का लॉक नहीं लेके आया हूँ। अब देख सकते हो कितने सारे स्प्राउट्स, चना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट, ऑसम। तो फाइनली फ्री फूड का चैलेंज भी कंप्लीट हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप गुरुद्वारा में आ रहे हो तो इस चीज़ को ना भूलें, कोशिश करिए कि ये सब वॉयलेशन ना ब्रेक करें। जैसा कि हमारा फ्री फूड का चैलेंज भी ख़त्म हो चुका है, अब जैसे कि मैंने कहा कि आगे का जो चैलेंज है दैट इज़ फ्री एजुकेशन, और जो फ्री एजुकेशन का जो सरप्राइज है गाइस, दैट इज़ कम्स इन नांदेड़ सिटी। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नांदेड़ सिटी इतना ब्यूटीफुल है, रियली आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पुणे के एक जगह पे ही रह के सोच रहा था कि पुणे एक्चुअली घूम लिया, बट एक्चुअली मैं आगे देख रहा हूँ, इट्स अमेजिंग। तो अब हम फ्री एजुकेशन का भी जो चैलेंज लिया था कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो राइट नाउ अभी मैं हूँ इस वक्त आसावाड़ी मुक्त वाचनालय, जहाँ पे इसको कहते हैं ओपन लाइब्रेरी, राइट? जहाँ पे आप 24/7 आवर्स कभी भी आके पढ़ सकते हो, और इनफैक्ट आप बुक भी लेके जा सकते हो। अभी 70 से भी ज़्यादा अलग अलग जगहों में इसका निर्माण हुआ है ओपन लाइब्रेरी का। तो इनका जो भी डिटेल्स है अगर वो कुछ हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगा,
बट अभी हम लोग अंदर जाके चेकआउट करने वाले रियल वाइब में, और मैं भी मेरे तरफ से कुछ बुक है वो डोनेट करने वाला हूँ, और देखते हैं किस टाइप के बुक्स हैं। लेट्स गो। आसरवाड़ी आने के बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना एंट्री करा लीजिए। एंट्री कराने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो और जो भी आपके पास बुक है उसको आप डोनेट कर सकते हो, और आपको जो भी पसंद है उसके अनुसार आप ले सकते हो। ऑलराइट, तो मेरे पास अभी राइट नाउ मैं जो बुक देने वाला हूँ, लाइक तीन बुक है, तो रजिस्टर्ड टूवर्ड लेट स्टार्ट विद बाय एंड द कैप्टन सेल्फ हेल्प बुक के सेक्शन में मैं रजिस्टर्ड एंड टूवर्ड और अपना स्टार्ट विद बाय इनको रखने वाला हूँ, राइट। और अपना जो कैप्टन बुक है स्पिरिचुअलिटी का सेक्शन है, इनके पास इधर रख रहा हूँ मैं, आपको भी जो पसंद है वो आप ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं, कुछ देर अभी टाइम बिताएंगे, और पढ़ने के लिए आप यहाँ से कभी भी लेके आप पढ़ाई भी कर सकते हो, जगह काफ़ी स्पेशियस है, कहीं भी बैठ के आप इजीली पढ़ सकते हो। तो जिनका भी ये कॉन्सेप्ट है उनको रियली मैं हाईली रिस्पेक्ट है ये सब अमेजिंग थिंग्स के लिए। तो रियली अब लग रहा है कि पुणे एक एजुकेशनल हब है, राइट, अमेजिंग। उसके बिना अभी शायद ही अभी आधा अधूरा ही पढ़ चुका हूँ, तो मुझे अभी लेने का काफ़ी इच्छा हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो बुक्स की कमी नहीं है, राइट, आपको सेल्फ हेल्प से लेके नॉन फिक्शन से लेके फिक्शन, आपको हेल्थ, कुकिंग, बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी प्रकार का आपको बुक चाहिए तो यहाँ पर अवेलेबल है, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ बुक्स को, तो हाईली रिकमेंडेड है। आइए बुक्स डोनेट करिए और आप भी नॉलेज बढ़ाइए और दूसरों को भी नॉलेज शेयर करिए। तो मैं तो मेरे तरफ से ये आयुर्वेदिक लाइक यू नो गर्भ संस्कार द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेगनेंसीज को लेके जा रहा हूँ, राइट, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी खास है और इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ सीखना था। एंड दिस इज आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू ओपन लाइब्रेरी मूवमेंट। तो अब हम दूसरे चैलेंज की तरफ बढ़ने वाले हैं और वो है एक फ्री स्विमिंग, राइट। तो उसके लिए मैं तैयारी कर चुका था घर से, मैं ऑलरेडी अपना गॉगल्स और अपना शॉर्ट ये भी लेके आ गया, पर बात ये है कि अभी स्विमिंग गॉगल्स तो लेके आया हूँ, स्विमिंग कैप भी लेके आया हूँ, अब स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं स्विमिंग पूल जाऊँगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे एक नेचुरल स्विमिंग ढूंढना है जहाँ पे मैं स्विमिंग कर सकूँ, तो उसी चीज़ के लिए अब हम जाएंगे एक काफ़ी अमेजिंग प्लेस, तो बने रहिए, चलिए फिर फटाफट से निकलते हैं। अभी वो पल आ चुका है, अब फ्री स्विमिंग अब करने जा रहे हैं अब हम, तो जगह एक्सप्लोर हो चुका है एंड इट्स नन अदर देन इट्स आवर खड़कवासला डैम विद ऑल फुल एक्साइटमेंट। अब साइकिल पार्क कर दिया है, राइट, जो कि अपना फ्री ट्रैवलिंग काफ़ी हेल्प किया है इन्होंने, अब करते हैं एंड देन विल कंप्लीट दिस, लेट्स हैव अ गुड स्विम। चल अपने पास वो है ना टॉवल, टॉवल निकाल लिया, टॉवल फाइनली फ्री स्विमिंग का चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे जो इनका वाइब है, इन्वायरमेंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब जल्दी से कपड़े पहनते हैं एंड कोशिश करेंगे कि खड़कवासला डैम जो एक्चुअल डैम है उनको थोड़ा एक्सप्लोर। आपका जैसे स्विमिंग पूल का एक रेंज रहता है कि उधर से उसके ऊपर नहीं जा सकते हो, बट यहाँ में बाउंडलेस है, कितना भी दूर जाके स्विमिंग करो, अब इट्स अप टू यू। तो आप अपने ही दुनिया का ओन बॉस हो, यहाँ पे आके आप नेचर के साथ भी कनेक्ट हो जाते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, नज़ारा लेंगे एंड जो आगे का चैलेंजेस है
उसको ख़त्म करेंगे। ऑलराइट, और अभी आखिरी चैलेंज के पास हम आ चुके हैं जो कि प्लेइंग गेम्स, दैट इज़ फ्री प्लेइंग गेम्स। तो ऑलमोस्ट मैं पांचों चैलेंज को कंप्लीट करते करते एक चीज़ मैंने शरण लिया है कि दैट जो भी हो जाए आज कुछ चीज़ पे करके नहीं लूँगा, राइट, जो भी होगा एवरीथिंग गोइंग टू बी फ्री। तो उसी के साथ अभी फ़िलहाल तो पानी भी लाइक राइट जो भी घर से लेके रखा था वही पिया, एंड लाइक स्टिल आई डोंट ड्रिंक एनी अदर थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से भी कुछ खाया नहीं है, जो भी गुरुद्वारा से खाया था वही अभी पेट में। तो इसी के साथ, पर जब तक ये चैलेंज ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ राइट खरीद के। तो इस चीज़ को मैं पूरे ध्यान पे रखते हुए कंप्लीट करने वाला हूँ। तो राइट नाउ मैं हूँ इस वक्त SGS मॉल के पास, तो अपना लास्ट चैलेंज भी साथ में मिलकर ख़त्म करते हैं, दैट इज़ आवर फ्री प्लेइंग गेम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। जो फ्री प्लेइंग गेम्स आप सोच सकते हो वो कहाँ पे होने वाला है, तो चलिए उसको भी दिखाता हूँ जो हम फ्री प्लेइंग गेम्स को जब ख़त्म करने वाले हैं। लेट्स गो, आइए मॉल के अंदर। सरप्राइज रिवील करता हूँ, इट्स नन अदर देन इट्स वन ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट्स जोन, दैट इज टेकातून। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम को ट्राई करें और साथ में मिलकर इस चैलेंज को ख़त्म करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टेबल टेनिस से, सो जस्ट लेट्स ट्राई एंड लेट्स कंप्लीट दिस चैलेंज विद अ वेरी पीसफुल प्लेइंग गेम। Something new, it's going to be our skating, let's try. तो अच्छी तरीके से सभी चैलेंजेस हमने कर दिया है खत्म और कंप्लीट। तो इसी के साथ मैं अपने आप को भी कुछ गिफ्ट करना चाहूँगा राइट, अपने इंटेंशन के साथ जिस लेवल पे अभी थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि सुबह से स्टार्ट किया है, लाइक शाम हो चुके हैं आप देख सकते हो बाहर।